नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर दिन की तरह आज भी हम 3 जनवरी 2020 का जीए पढ़ेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे हम? 9 क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ हुआ होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में अभी लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ हुआ है। त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है श्री बिप्लब कुमार देव और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिशा अधिनियम लागू करने के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो किसने करी है? आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा अधिनियम लागू करने के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति करी है। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जो कि प्रस्तावित अमरावती है, और YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री, और श्री विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। अब ये दिशा अधिनियम जो है वो क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं और उसके बाद जो अपराध के बाद जो केस दर्ज होता है, उस मामले में सुनवाई जो है बड़ी धीरे होती है। तो उस सुनवाई को, उस अपराधों के मामलों में जो सुनवाई है उसको तेजी से करने के लिए दिशा अधिनियम लागू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके लिए 2 विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया, एक है IAS और दूसरा है IPS। तो IAS है डॉक्टर कृतिका शुक्ला। कौन है? डॉक्टर कृतिका शुक्ला। और IPS अधिकारी है M दीपिका। इन 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रत्न ओझा का निधन हुआ है, वे कौन है? तो आपको हर दिन हम बताते हैं कि कुछ ना कुछ जो निधन होते हैं और जो महत्वपूर्ण हस्तियाँ होती है, कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और सिंपल से उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनका प्लेस का नाम और उनके क्षेत्र का नाम। तो अभी हाल ही में रत्न ओझा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताइए कौन थे, गेस करिए। साहित्यकार रत्न ओझा कौन थे? साहित्यकार थे। तो साहित्यकार कहाँ के थे? वो असम के थे। साहित्यकार, नाटककार या एक सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनको जाना जाता था। असम की राजधानी है दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी वहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। तो रत्न ओझा के बारे में आपने जाना कि वो साहित्यकार हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च करी है? साइबर सेफ वुमेन पहल है ना, एक पहल लॉन्च करी है। किसने करी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने करी है। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च करी है, यानी साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, और वो भी किसकी? साइबर सिक्योरिटी किसकी? महिलाओं के संबंध में फैलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च करी। महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं, हमारी जो आर्थिक राजधानी मुंबई, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड, तो उनका नाम है, बताइए, पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया गया है, वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है लेह में। लेह कहाँ है? तो लद्दाख में। और लद्दाख जो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट है RK माथुर। अब ये आइस हॉकी चैंपियनशिप कौन करवाता है? तो वो करवाता है IHAI, यानी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 27 अप्रैल 2019 में हुई थी, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? वो KL कुमार। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, CAA, बहुत चर्चाओं में सुना हुआ है अभी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में अभी प्रस्ताव करने वाला, क्योंकि आपको पता है कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। तो उस विरोध के संबंध में किस राज्य ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है और वो देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसने CAA के विरोध में अपना प्रस्ताव पास कर दिया है। तो
यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सीए का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये किया है केरल ने, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया गया, तो वो शिलान्यास किया है किसने किया है, किसने किया है, कहाँ किया है और स्वामी जी कौन थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाल ही में आपको पता है हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, 2 दिवसीय के कौन से राज्य के 2 दिवसीय यात्रा पे थे, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के लिए वो 2 दिवसीय यात्रा पे थे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का क्या किया, अभी शिलान्यास किया। अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक क्या है, एक राज्य है और वहाँ के टुमकुरु, टुमकुरु नाम का एक जगह है, स्थान है, एक शहर है जहाँ पर श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, बीएस येदुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री और वजूभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। बट जो स्वामी जी हैं उनके बारे में आप बताइए, तो स्वामी जी का अभी हाल ही में 21 जनवरी 2019 को 111 साल यानी ध्यान रखिएगा 21 जनवरी 2019 को 111 साल में अभी निधन हुआ है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1907 को हुआ था, जिनको कर्नाटक में वॉकिंग गॉड, वॉकिंग गॉड का मतलब होता है चलता फिरता भगवान के नाम से भी जाना गया है, उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख थे। अभी हाल ही में जब भी वो एक्सपायर हुए, जब भी उनका देह त्याग किया, सिद्ध गंगा मठ के उस समय वो प्रमुख थे, ठीक है। तो स्वामी जी के बारे में क्या पढ़ा आपने कि 111 साल में अभी वो 21 जनवरी 2019 को उनका देहावसान हुआ था और उनको चलता फिरता भगवान या वॉकिंग गॉड के नाम से भी जाना जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित वो हैं और सिद्ध गंगा मठ के वो प्रमुख भी रहे हैं। अब स्वामी जी के बारे में आपने पढ़ लिया, तो स्वामी जी क्या सुपर सेंटेनियन थे, क्या थे, सुपर सेंटेनेरियन। सुपर सेंटेनेरियन उस आदमी को कहा जाता है जिन्होंने अपनी एज 110 साल पूरी कर ली हो, उसको बोला जाता है। ह्यूमैनिटेरियन थे यानी मानवतावादी थे, स्पिरिचुअल लीडर थे यानी आध्यात्मिक नेता थे और एजुकेटर मतलब एक शिक्षक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी के बारे में एक क्वालिटी है और वो कर्नाटक से संबंधित थे। चलिए, यानी इतनी जानकारी जो हमें इस क्वेश्चन से मिली है वो पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है, तो किस देश का था वो, ईरान। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और ईरान के बारे में आप पढ़ लीजिए। ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ की करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट वहाँ के हैं हसन रूहानी। कौन है, हसन रूहानी। तो ये जो जनरल कासिम सुलेमानी है ये कहाँ के थे, ईरान के थे, पर इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई है, इराक की राजधानी क्या है, बताइए, इराक की राजधानी है बगदाद और वहाँ पे उनका निधन हुआ। किसने मारा है उनको, अमेरिका ने मारा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन की जानकारी मिली। तो आपने देखा होगा, आपने जो 9 क्वेश्चन पढ़े वो 9 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन 9 क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल एकदम एक लाइन में बिल्कुल आँखें बंद करके रिवाइज करेंगे हम। लाई हराओबा पर्व तो आपके दिमाग में आना चाहिए, त्रिपुरा। दिशा अधिनियम आंध्र प्रदेश, दिशा अधिनियम आंध्र प्रदेश, कितने अधिकारी, 2 अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस, कृतिका शुक्ला, डॉक्टर कृतिका शुक्ला और एम दीपिका। अब आगे चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, रत्न ओझा साहित्यकार कहाँ से संबंधित है, असम से। साइबर सेफ वुमेन पहल महाराष्ट्र ने, साइबर सेफ वुमेन पहल महाराष्ट्र ने। पीयूष जायसवाल, देखो हमें दोनों तरफ से रिवर्सिबल इक्वेशन होना चाहिए, मन अगर बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से आपको पीयूष जायसवाल आता है तो पीयूष जायसवाल से बिहार एक्सीलेंस अवार्ड भी आपको जहन में आना चाहिए। तो पीयूष जायसवाल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड, पीयूष जायसवाल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड और राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह। 7वां क्वेश्चन है, सीए के विरोध में तो केरल, सीए के विरोध में प्रस्ताव करने वाला पहला देश का राज्य तो कौन है, केरल। श्री श्री शिव कुमार
तो नरेंद्र मोदी और श्री श्री सुकुमार के बारे में 111 साल में उनकी मृत्यु हुई और वो एक 110 साल जीने वाले हैं थे, मानवतावादी थे, आध्यात्मिक गुरु थे और शिक्षक भी थे। तो इस प्रकार से उनके बारे में हम जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु इराक में हुई, जो इराक की राजधानी बगदाद में हुई, और वो रहने वाले कहाँ के थे? ईरान के जनरल थे वो, और ईरान के बारे में आपने पढ़ा। तो इस प्रकार से आपने 9 क्वेश्चन आज पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन इस प्रकार से लगता है अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की भी कहिए, और आप भी इसको करिए। अगर आपको इसमें कहीं कहीं कमी लगती है किसी भी प्रकार की, तो हाँ हमें बिल्कुल बताइए। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने में हमारे लिए बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।